जिस तरह से प्रदेश सरकार ने जो फरमान जारी किया है, जो अपात्र की श्रेणी में आने वाले राशन कार्ड धारक जिनके लिए कुछ समय दिया कि उस समय तक राशन कार्ड जमा हो जाए, नहीं तो उनसे जिस जब से राशन कार्ड शुरू हुआ है तब से लेकर के और अब तक उनसे रिकवरी की जाएगी। इसको देखते हुए बदायूं जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में एक बड़ी संख्या में राशन कार्ड जमा करने की होड़ लगी। अब ऐसे अपात्र की श्रेणी में आने वाले लोग जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, एसी है और बड़े प्लाट हैं या बड़े खेती करने वाले लोग हैं, चाहे वो शहरों से हैं हो या ग्रामीण क्षेत्रों से, हमारे साथ हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि यहाँ की जनता की राय क्या है, कि उनको सरकार ने जो फरमान जारी किया वो सही है या गलत है। शुभ नाम क्या है आपका? अंकित गुप्ता। गुप्ता जी, जो सरकार का फैसला है वो क्या ठीक है या गलत? सरकार का फैसला तो बिल्कुल ठीक है, गरीबों को ही मिलना चाहिए राशन कार्ड वैसे तो, क्योंकि जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो राशन कार्ड का अगर प्रयोग करेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि गरीब जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, और जिसके पास सब कुछ है अगर वो भी लेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। सरकार बहुत अच्छा, जो सरकार ने फरमान जारी किया कि इस समय तक अगर आप राशन कार्ड जमा नहीं करते हो तो रिकवरी की जाएगी, क्या लग रहा है सरकार सही है? बिल्कुल सही है सरकार, सरकार को करना चाहिए, जिन लोगों के पास गाड़ी है, फ्लैट है, सब कुछ है तो उनको तो राशन कार्ड मिलना ही नहीं चाहिए उनको राशन, और गरीब लोगों को ही मिलना चाहिए जो इसके पात्र हैं, अपात्र लोगों को नहीं मिलना चाहिए गल्ला। जी बिल्कुल सहमत है हम इस बात से, और मेरा तो कहना है कि सरकार जो भी योजनाएँ चालू करे पहले जो पात्र हो उसी को मिले। जिस प्रकार से अभी आपको याद होगा कि अभी जो 2.5 लाख रुपए मकान के लिए दिए गए हैं उसमें भी पता नहीं कितने लोगों ने घोटाले किए हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि जो पात्र हों उन्हीं को मकान मिले, जो अपात्र हों उनसे वसूली की जाए। सरकार के लिए जो है फिर भी सरकार ने बहुत छूट दे रखी है कि इतना कम नहीं है, कि एक मौका दिया है कि आप अपना जो राशन कार्ड है सरेंडर कर दें। एक युवा हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे सरकार का जो ये फैसला उसको किस तरीके से देखती हैं आप? सरकार का जो ये फैसला है एक बहुत ही बड़ा कदम के रूप में हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि गरीब परिवार एकदम पीछे छूट जा रहा है और जो मिडिल फैमिली है वो अपने आप को आगे करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है। इसीलिए मेरा मानना यही है कि सरकार का जो ये कदम है ये एक सराहनीय कदम हम इसको मान सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि जिन लोगों को मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिल रहा और जिन लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है वो उसका लाभ उठा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, गरीब फैमिली इन सब चीज़ों से वंचित रह जा रही है और मिडिल क्लास के लोग जो अपना भरण पोषण भी स्वयं कर सकते हैं, उनकी इनकी इतनी इनकम है कि वो ये सब कुछ कर सके, लेकिन उसके बाद भी वो BPL राशन कार्ड को अपना कर गरीबों के हिस्से को भी छीन रहे हैं। सरकार का फैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें उनको थोड़े से और सख्ताई रखनी चाहिए थी। इसमें जो उन्होंने सिर्फ लिखा है कि बाजार भाव के हिसाब से वसूली की जाएगी, तो ये इतना इसमें तो मतलब जो लोग सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे गरीबों का हक उन्होंने मार लिया है, तो उनके लिए वो पैसा देना वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो मिडिल क्लास है उसको क्या फ़र्क पड़ता है बाजार भाव में कितना होगा? आप 2 रुपये का राशन लेते थे, बाजार भाव के हिसाब से 30-35 रुपये का होगा, कितने का फ़र्क पड़ेगा? कितना राशन लेते थे, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं है इसमें। लोग इसको मतलब सरकार का फैसला अच्छा है, एक अच्छी पहल है, लेकिन ये थोड़ी और सख्त होनी चाहिए थी। इसमें कुछ सजा भी होनी चाहिए थी कि जो ऐसा कर रहे हैं उनके ऊपर एक सख्त कार्रवाई, उनकी जितनी सरकारी योजनाएं वो नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं उन पर रोक लगा देनी चाहिए थी। अगर से उनके घर से कोई सरकारी जॉब में है तो उसको सस्पेंड कर देना चाहिए, जिससे लोगों के मन में डर हो। क्या कहेंगे इस पर कि सरकार के इस फैसले से कितना खुश है? सरकार ने जो नई गाइडलाइन लागू की है इससे जनता बहुत परेशान हो रही है, और इसमें कई सारी चीज़ ऐसी आ रही है जो पात्र अपात्र जिसको ये बता रहे हैं मानने की बात है, किसी पे 4 पहिया वाहन गाड़ी है और उससे वो अपना कारोबार कर रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, उस पर सिर्फ गाड़ी है और गाड़ी भी उनने लोन पे ले ली जैसे कंपनी देती है लोन पे, तो वो एक कारोबार के लिए हो गई, तो उसके तो बच्चे भूखे मरेंगे जब और कोई कारोबार नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि मकान, एक तो सरकार ऊपर से मकान बनवा रही है जनता के, दूसरा कह रही है कि 100 गज से अधिक जिस जो मकान लेंटर का होगा उसको राशन कार्ड से काट दिया जाएगा, वो राशन कार्ड धारक नहीं हो सकता, लेकिन 100 गज का मकान आम जनता पे सभी पे है। ये होना चाहिए था कि जिसकी सरकारी नौकरी है उसका राशन कार्ड नहीं होना चाहिए, या किसी पे 20-25 बीघे ज़मीन है
उस पर राशन कार्ड नहीं होना चाहिए था, या जिसकी आय कम से कम 4 लाख या 5 लाख रुपए है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 50,000 रुपये से अपना रोजगार कर रहे हैं और 50,000 रुपये को बार बार बैंक में डाल के जीएसटी के माध्यम से और उसको निकाल रहे हैं, तो उसका टर्नओवर तो 3 लाख से बहुत ऊपर हो जाएगा। अब ये मान रहे हैं कि 3 लाख से ज़्यादा आय होने वाले का भी राशन कार्ड नहीं रहने का। दूसरी चीज़, ऐसा ही पहले हमारे साथ धोखा हुआ गैस को लेकर। पहले तो गैस इन्होंने गवर्नमेंट ने दे दिया हमें सिलेंडर फ्री में दे दिए, फिर उसके बाद उसकी सब्सिडी ख़त्म कर दी। जब इन्हें सिलेंडर देने थे तो सब्सिडी ख़त्म ना करते, हम एक बार रो लेते 5,000 का सिलेंडर लेके। अब हम रोज़ रो रहे हैं नया सिलेंडर लेके, क्योंकि वो 1,000 रुपये का हो गया जब सिलेंडर 500 रुपये का था। 400 रुपये की या 300 रुपये की सब्सिडी हो जाती थी तो गरीब आदमी को उसका बड़ा लाभ मिल रहा था। अब हमें हर रोज़ रोना पड़ रहा है। इसलिए जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है वो बिल्कुल गलत है, इसमें इसका शुद्धिकरण होना चाहिए। इसमें कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो लोग अपात्र हैं और वो पात्र लोगों का भी राशन ले रहे थे, कहीं ना कहीं इसमें भी सुधार हो? हैं, ऐसे भी हैं। इसमें कितने होंगे ऐसे, 5% लोग होंगे या 3% लोग होंगे, ज़्यादा नहीं हो सकते। ऐसे तो वे लोग हैं जिनको समाज का पता नहीं, जो समझदार लोग थे उन्होंने पहले से राशन कार्ड भी नहीं बनवा रखा। ऐसे भी लोग हैं जो मालदार लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं, उनमें कुछ मालदार ऐसे भी हैं जो अपने पास से गरीब लोगों की मदद करें। अभी कोरोना काल आया था, क्या सरकार ने पूरा राशन गवर्नमेंट ने थोड़े दे दिया था आम जनता को? कोरोना काल में जो मोहल्ले के मालदार लोग थे, जो गांव के मालदार लोग थे, उन्होंने एक दूसरे की मदद करके ही तो काम चलाया। सरकार के भरोसे रहते तो जनता भूखी मर जाती, इन पर तो पहले ही नहीं लाशें सिमटती गई, ऊपर से जनता भूखी मरती यहाँ देश में। कुछ हमारे लोग गरीब भाई है, अब इनकी शादी में मोटरसाइकिल मिल गई, क्या इन्हें ऐसी मिल गई और इनके खाने को है नहीं, तो लोग उससे जो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो सरकार का जो कहना जो है बहुत गलत है। सरकार ने जो है इतनी महंगाई कर दी, हम बुनकर समाज के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अनगिन बुनकर है, सरदने के अंदर 10-15 हज़ार पावर लूम है जो आज आधे ज़्यादा बंद है, जो 5,000 का बोरा था 8,000 का बोरा हो गया। तो बेरोजगारी तो सरकार ला रही है, कुछ दिनों के अंदर 5 या 10 साल के अंदर जो श्रीलंका हो जाएगा हमारा इंडिया। सरकार जो है आपस में भिड़ा रही है, लोगों को बांट रही है, रोजगार के ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठाता। सबसे मेन मुद्दा है रोजगार, जब रोजगार नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, और जब रोजगार होगा तो देश खुशहाल होगा, ये जनता खुशहाल होगी। रोजगार नहीं है, ट्रेंड ऐसे है, 2-4% आदमी ऐसे है जो लेते नहीं, हम है 25 साल से राशन कार्ड नहीं, जो सही आदमी है वह खुद ही नहीं। अब जो गरीब लोग ही तो ले रहे हैं, अब 100 गज का मकान है, उसके 5 बेटे हैं, बताओ तो उस पर भी थोप रहे हैं, उस पर भी थोप रहे हैं। उन लोगों को राशन मिलना चाहिए, 2-4% है, इनकी जाँच हो, जो सही दिशा में है, सरकारी नौकरी में है या जमीन वाले हैं, जीएसटी है या सेल टैक्स इनकम टैक्स दे रहे हैं, उन लोगों के ख़त्म होने चाहिए। जो गरीब है इनके लेना चाहिए राशन कार्ड। ये जो गाइडलाइन जारी की है ये बहुत गलत है, क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ राशन कार्ड की प्रक्रिया और राशन देने की प्रक्रिया पहले से ही है। आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई, या यूपी में हो या हमारे भारत सरकार में हो, और जब से भारत सरकार और यूपी सरकार सत्ता परिवर्तन हुआ है, उस वक्त से जो है अब दिक्कतें आ रही हैं। राशन तो पहले से मिल रहा, अगरचे पहले चीनी और तेल मिलता था, अब जो है गेहूं और चावल और ये अन्य चीज़ें मिल रही हैं, तो ये तमाम गरीब गुरबा का जो है जीवन यापन करने के लिए हैं। और एक बात हम कहना चाहेंगे सरकार को, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आवाम जो है, जो जनता है, वो सरकारों से ना तो चीनी मांग रही, ना तेल मांग रही, ना जो है गेहूं चावल मांग रही है। ये अपना जीवन यापन जैसे भी कर रही थी, लेकिन सरकार ने अभी बीते चुनाव में, पिछली सरकार जो थी उसने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से अपनी 2 योजनाओं को, कि हमने डबल राशन दिया, इसी योजना पे इसी का लाभ लेते हुए ये दोबारा पूर्ण रूप से सत्ता में आए, और उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का अपनी। क्योंकि जब ये पूर्ण रूप से दोबारा सत्ता में आए तो इन्हें और राशन बढ़ाना चाहिए था। अभी अप्रैल माह में रमज़ान में माननीय प्रधानमंत्री और योगी ने, इन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से 80 करोड़ आदमी को दोबारा से, जिस तरह से पहले राशन मिल रहा था 2 बार फ्री में, तेल भी, चना भी, नमक भी, ये तमाम मिलेगा, लेकिन अब ऑटोमेटिकली 1 बार हो गया। और जितना गरीब आदमी है, वो मजदूर आदमी जो पहले अपनी ज़िंदगी जी रहा था, मजदूरी करके जी रहा था और सरकार के ऊपर निर्भर नहीं था, लेकिन सरकार ने खुद इस बात को ऐलान करा कि हम राशन देंगे, अब ये उल्टा इन्होंने जो है ख़त्म करने की कोशिश कर दी। जो लोग मालदार लोग हैं,
पहले से ये सिस्टम है हमारे देश में, वो पहले से राशन कार्ड नहीं बनवाते ना राशन लेते, लेकिन जो इन्होंने प्रक्रिया लागू करी है, जो इसके मुस्तहिक हैं, जो पात्र लोग हैं, उन पात्र लोगों को राशन रहने चाहिए, उन लोगों को तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए। और जो हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है उस पे भारत सरकार और जो है उत्तर प्रदेश सरकार, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे वो इस पे विचार करें और तमाम इन गरीब गुरबाओं की जो इनको जो है जीने के लिए जो एक साधन दिया है उस पे जो है अंकुश न लगा करके इनकी सुविधा को और बढ़ाने का काम करें और महंगाई को रोकने का काम करें। जो ये निर्णय लिया है ये बहुत ही सराहनीय निर्णय है और मैं इसकी पुरजोर समर्थक करता हूँ, क्योंकि जिन लोगों के यहाँ पर एसी हैं और जो लोग बड़ी बड़ी कारों में चल रहे हैं उसके बावजूद भी वो गरीबों का हक मार रहे हैं, राशन ले रहे हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। सरकार को उनके राशन कार्ड देने चाहिए, अगर वो न कटवाएं, खुद जमा न करें तो उनसे भरपाई करनी चाहिए। तो क्या कहेंगे, सरकार सही काम कर रही है? बिल्कुल सही काम कर रही है सरकार, जो गरीबों के हित में काम कर रही है, जो हक मार रहे हैं गरीबों का, उनको राशन नहीं लेना चाहिए। जो लोग अपात्र हैं, जैसे जिनके घर में एसी लगा हुआ है, कार है, मकान है, गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं और जो है खेती वाले हैं, उन लोगों को जो राशन ले रहे हैं वो अपात्र हैं, उन्हें उनके राशन कार्ड देने चाहिए। जो निर्णय है वो सराहनीय है, क्यों है? क्योंकि जो बेचारे अभी भी जो गरीब लोग हैं, अभी भी ऐसे 20% लोग हैं जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, उसका राशन ये जो अपात्र जो ले रहे हैं ये ले रहे हैं, इनका राशन कटना चाहिए। और ये लोग अपना राशन कार्ड अगर सिलेंडर नहीं करते हैं, अपना कार्ड ख़त्म नहीं कराते हैं, मेरी अपील है कि इन लोगों से उस भरपाई पूरी तरीके से होनी चाहिए हर हालत में। ये सरकार का निर्णय है, पहले सरकार का ये राशन का मामला था, जब से ये मशीन आई है उससे पहले राशन डीलर जितने थे वो पूरा राशन खा जाते थे, एक एक राशन डीलर के पास 1000 से 1500 कार्ड हुआ करते थे, वो सिर्फ मात्र 20% लोगों को बांटा करते थे। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 के अंदर मशीन लागू करी, आज 95% लोगों को राशन मिल रहा है पूरी तरीके से। अब जो भ्रष्टाचारी है सरकार को उन राशन कार्डों से, जो राशन कार्ड जो आपके राशन डीलर खाते थे, उस सरकार को, हमारी सरकार को 28,000 करोड़ रुपए पर साल की बचत हुई उससे। जी अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से बिल्कुल बेस्ट तरीका है। तो देखिए डिपेंड करता है, अगर एक बंदा नीडी है, उसको ज़रूरत है, वो दिखेगा सामने से, क्योंकि अगर उसको ज़रूरत है वो बेचेगा नहीं चीज़ अपनी, क्योंकि यहाँ पर फेरी वाले भी आते हैं बिक्कियों से चावल खरीदने, गेहूँ खरीदने, तो जिस बंदे को ज़रूरत है तो वो बनाकर खाएगा, उसे बेचेगा क्यों? और सबसे बेस्ट तरीका ये लगा मुझे कि इन्होंने जब्त करने के लिए जो कंडीशन बताई है कि 4 पहियों का वाहन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, पेंशन नहीं आ रही हो किसी के घर में, 100 गज से ज़्यादा का प्लॉट ना हो उसके पास इसके घर में एरिया ज़्यादा ना हो, उन्हीं लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी रखी है। मेरे लिए तो बेस्ट तरीका लगा मुझे, और ऐसे ही और तरीके आने चाहिए जिसमें जो लोग गरीबों का हक मार रहे हैं। और राशन डीलर के लिए भी ये बहुत बड़ा एक नुकसान का बायस बना है, क्योंकि राशन डीलर भी जो क्या कर रहे थे, जो लोग को ज़रूरत थी उनको तो दे ही रहे थे, लेकिन उनके अलावा जिनको ज़रूरत नहीं थी उनका अपने पास रख देते, ज़रूरतमंद का भी काट लिया करते। तो हाँ, उस पर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से, क्योंकि जब एक क्राउड कम हो जाएगा ना उसके, और इवन 1200-1800 समथिंग राशन कोल के अंदर जमा भी हो चुके हैं, और ऑल ओवर सही काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल बेस्ट।